बस कैंसर की बीमारी अल्लाह पाक किसी को भी दुश्मन को भी ना दे। नहीं नहीं, ये पूरे 3000 रुपये आपके खून के, ठीक है मेरी बहन? ठीक है, खुश हो? अल्लाह तेरा शुक्र। ठीक हो जनाब? हैं, खुश नहीं हो आप? खुश नहीं हो इसका मतलब मुझे लग रहा है आप खुश नहीं हो आप। नहीं नहीं, एक दो तीन चार, लो ये पैसे और आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुशाहिद खान। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसका नाम है गुरु तेग बहादुर और कैंसर डिपार्टमेंट। अक्सर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, लेकिन एक फैमिली मुझे ऐसी मिली आपको जान के हैरानी होगी। पहले तो हस्बैंड को कैंसर हुआ 8 साल पहले, हस्बैंड कैंसर से जूझा, और हस्बैंड को कैंसर हुआ तो वाइफ को कैंसर हो गया। अब ज़िंदगी ऐसी है कि वो लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बद से बदतर उनकी बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी है इसकी? ये उनके हस्बैंड है, क्या नाम है आपका साहब? मोहम्मद यूसुफ अली। मोहम्मद यूसुफ अली, क्या काम करते हो भाई मोहम्मद? ऑटो चलाते हो आप? रेंट पे। रेंट पे जी। बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। हाँ जी, बस ये है कि आस पड़ोस में थोड़ी मदद कर देते हैं, उससे ही हमारा गुजारा बसारा हो जाता है। थोड़ा बहुत अभी है, काम पे अब जाने लगे 2-4 घंटे, क्योंकि वैसे तो मना कर रखा है कि ज़्यादा ये सड़कों पे काम वाम ना करें, लेकिन ऑटो ही आती है तो ऑटो ही चला सकते हैं बस, और कुछ ऐसा कोई काम का जरिया भी नहीं है। पहले शोहर को कैंसर हुआ, इनकी देखभाल आप करती थी, है? अब आपको हो गया, आपकी देखभाल ये करते हैं? अब घर में बच्चे भी हैं, बड़ी दिक्कत होती है, कोई देखने वाला नहीं है। ये मेरे साथ हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, बच्ची है वो जवान है, वो भी मेरे साथ रही है हॉस्पिटल में। अब कोई जब है नहीं तो जवान लड़की को लेके घूमना पड़ता है, क्या करें, घर के हालात ऐसी है बस, अल्लाह पाक करवा रहे। बस कैंसर की बीमारी अल्लाह पाक किसी को भी दुश्मन को भी ना दे। फेफड़ों का साल हो गए करते हुए परेशानी हो गई, जब से ये पता चला था कि फेफड़ों की बीमारी है, लेकिन अब पता चला कि कैंसर है फेफड़ों में। एक बार ऑपरेशन हो चुका है, अब कह रहे हैं 6 कीमो के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन होगा। एक खिड़की सी खुली हुई है, पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहो, उसमें से पस निकलता रहता है, खड़ा नहीं हुआ जाता। अब उन्होंने कहा है 6 महीने के बाद फिर दोबारा से ऑपरेशन होगा। अब बड़ी परेशानी है, हर महीने 3000 का खून चढ़ता है, खून ख़त्म हो जाता है कीमो से। अफसोस होता है हस्बैंड को देख के कि मेरा हस्बैंड कैंसर पीड़ित है, कैंसर अब ठीक हो के आया है, अब मेरी अभी 6 महीने का फिर उसका टीबी का भी इलाज चला है इनका। अच्छा, आप बैठ जाओ नीचे, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा नाम मुशाहिद खान है, ठीक है? मेरा नाम मुशाहिद खान है, मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से, और जो सवाल का सही जवाब देता है उसको फिर मैं इनाम देता हूँ, इनाम कुछ भी हो सकता है। तो आपसे मैं सवाल पूछूंगा, 3-4 सवाल पूछूंगा, तो उस सवाल का सही जवाब देना है आपको। कहाँ रहते हो आप? मौजपुर। मौजपुर रहते हो आप, टेंट वाले स्कूल के बाद। अच्छा, ये बताओ दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, मुसलमानों में एक महीना ऐसा होता है जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं एक साल में, वो कौन सा महीना होता है? रमजान का महीना होता है। नहीं, एक महीना पूरा रमजान का होता है ना, रमजान का होता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन। हाँ तुम बताओ जी। 366 भी होता है। हाँ, और 365 भी होते हैं। अच्छा अच्छा, एक 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 आसान सा सवाल पूछूं, हमारे नबी कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, तो देखो आपने 4 सवाल के सवाल सही जवाब दिए, ठीक है ना जी। तो क्या बनता है, आपको कुछ तो बनता है ना, 4 सवाल के सही जवाब दिए तो भाई, तो एक सवाल के बनते हैं 500 रुपया, तो 4 सवाल के मेरे भाई 2000 रुपये आपके। शुक्रिया भाई, अल्लाह पाक आपको तरफ के कामयाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक किसी ना किसी को मदद करने के लिए आपको जरिया बनाया। अब मेरा कल ब्लड चढ़ेगा, 3000 की जरूरत थी, अब
वहाँ बैठे हुए यही सोच रहे थे। अच्छा। कि अल्लाह पाक कहाँ से जरिया बनवाएगा, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको सच में ये सोचे थे आप बैठे बैठे? हाँ खुदा यही सोच रहे थे। हम यही सोच रहे थे कि 3000 कहाँ से आएंगे। अच्छा। लेकिन अल्लाह पाक ने आपको जरिया बनाया, मेरी बेटी के लिए रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? रोना नहीं है ना, अल्लाह बेहतर है। देखो तुमने सोचा और काम हो गया, है ना। कितने मांगे थे अल्लाह से? मैंने कहा था जो अल्लाह पाक दे दे जितना भी दे दे सही है, लेकिन अल्लाह पाक। अच्छा, ये पूरे 3000 रुपए आपके? अरे भाई ये दे दिया आपने। नहीं नहीं, ये पूरे 3000 रुपए आपके खून के। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, खुश हो? अल्लाह तेरा शुक्र। ठीक हो जनाब? हैं, खुश नहीं हो आप? खुश नहीं हो इसका मतलब मुझे लग रहा है आप खुश नहीं हो आप। नहीं नहीं, एक दो तीन चार, लो ये पैसे और आपके लिए। आपने तो उम्मीद से ज़्यादा मदद कर दी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। नहीं आप यकीन नहीं करो, हम यहाँ बैठे दोनों यही कह रहे हैं, मेरे क्या हर महीने का ये अजाब है, 3000 कहाँ से लेकर आए, इतने तो घर में चले जाते हैं, बीमारी है, यहाँ आने जाने का किराया, क्या कहाँ से होगा। बन गया ना, तुमने सोचा, अल्लाह ने कहा कि जाओ मुशाहिद, मेरी एक बंदी बैठी हुई है, आपने मुझसे मांगे तो नहीं, आप मुझे देख रहे थे शायद पैसे देते हुए? नहीं मैंने नहीं। अच्छा, लेकिन आपने देख, आपने कुछ कहानी किसी से भी, लेकिन अल्लाह ने मेरे जहन में डाला। और देखो मैं दोबारा से गाड़ी खड़ी करके दोबारा से आया हूँ, आपकी वीडियो बनाई है, इस वीडियो को फेसबुक वगैरह यूट्यूब पर डाल दे, कोई एतराज़ तो नहीं आपको? हैं, कोई एतराज़ नहीं है ना। इंशाल्लाह अगली बार फिर मिलेंगे, फिर मदद करेंगे आपकी। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।